नमस्कार नमस्कार। आज की सनरेज की 24th स्टोरी इज फ्रॉम सनरेज फॉर सैटरडे। इस कहानी में एक ऋषि होते हैं, जंगल में रहते हैं और उनके आश्रम में बहुत सारे लोगों के अलावा कुछ जानवर भी होते हैं और उनका एक पालतू चूहा होता है। उस चूहे से वो बहुत प्यार करते हैं। तो एक दिन उन्होंने ये नोटिस किया कि जो चूहा है वो बिल्ली से डरता है। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरा इतना प्यारा चूहा है, तो उन्होंने अपनी शक्ति से उसको बिल्ली बना दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने ये नोटिस करा कि जो बिल्ली है वो कुत्ते से डरती है। तो उन्होंने फिर हाथ घुमाया और उस बिल्ली को कुत्ता बना दिया। तो वो कुत्ता उस आश्रम में बड़े मज़े से घूमता था और उसको ऐसे लगता था कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ। अब उसके बाद क्या होता है कि हाँ घूमता है आश्रम में और थोड़ा सा जंगल में घूमने जाता है, तो एक शेर होता है, जो शेर से वो बहुत डरता है और वो भागकर वापस आता है। अब साधु महात्मा को लगता है कि भाई मैंने तो चूहे से बिल्ली और फिर बिल्ली से मैंने इसको कुत्ता बना दिया, अब ये शेर से डरता है। तो उन्होंने फिर से ऐसे अपनी पावर्स के साथ उन्होंने उसको शेर बना दिया। अब शेर बनने के बाद वो पूरे जंगल के अंदर एक ऐसा घूमे जैसे वो पूरा राजा होता है, और जिसको चाहता है वो उसको डरा देता है, जिसको चाहता है उसको भगा देता है, जिसको चाहता है उसको मार देता है। ऐसे ही घूमते घूमते उसकी नज़र एक दिन घुराते हुए वो ऋषि के ऊपर पड़ती है और उसके मन में आता है कि ये ऋषि को भी मैं खा सकता हूँ। अब ऋषि जी तो पहुँचे हुए थे, उन्होंने वो शेर के मन की बात को जान लिया, से पहले शेर कोई उनके ऊपर हमला करता, उन्होंने फिर से उसको वापस चूहा बना दिया। ये कहानी सुनकर शायद आपको हंसी भी आई होगी, जैसे कि बच्चों की कहानी है, लेकिन इस कहानी का मतलब ये है कि जो चूहा था, जो पहले बिल्ली बन गया, फिर कुत्ता बन गया, फिर शेर बन गया, ऐसे ही हमारी ईगो होती है, जो हमारा अहम होता है। जैसे जैसे हम लाइफ में बड़े होते हैं, कुछ अचीव करते हैं, कुछ कमाई हो जाती है, घर बन जाता है या हमारा स्टेटस बढ़ता है, तो हमारी ईगो और बढ़ती जाती है। और कभी ऐसा भी टाइम आता है कि वो ईगो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो खुद को ही नुकसान करने लग जाती है। लाइक यू से दैट यू बिकम टू बिग फॉर योर बूट्स, यू डोंट नो के वे योर रूट्स वर, कि कहाँ से हम शुरू हुए थे। हमारी ईगो इतनी सिर को चढ़ जाती है कि हम भूल जाते हैं हम असल में हैं क्या। तो उसी वक़्त जो भगवान हैं, उसी वक़्त जैसे वो ऋषि हैं, जो एक गुब्बारा जैसे फूल के बड़ा हो जाता है, तो उस गुब्बारे को एक पिन की चोट से उसकी सारी जो फूक निकाल के उस शेर से उसको वापस चूहा बनाने का इसका अभिप्राय ये है कि आपकी ईगो, अहम, अहंकार को, मैं को भगवान जो है एक सेकंड के अंदर एक पिन मार के उसको जीरो कर सकता है। जैसे कि ये पिछले एक महीने में हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया को भगवान ने ये बता दिया कि तुम्हारी मैं, तुम्हारे अहम इतना बढ़ गया था कि उस बड़े हुए अहम को कंट्रोल करने के लिए आज मैंने एक छोटी सी सुई मारी है। इससे भी हम सब अगर समझ जाएं, हम इससे संभल जाएं, तो हम अपना जीवन को, अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। हम सब लोग एक घड़ी जो हम हाथ पे, जो अपनी कलाई पे लगाते हैं, घड़ी के स्पेलिंग होते हैं वॉच, WATCH। वॉच का मतलब है W से कि वॉच योर वर्ड्स, कि अपने शब्दों का ध्यान रखें। दूसरा है A, वॉच योर एक्शन, हम जो कर्म करते हैं अपने कर्म का ध्यान रखें। तीसरा टी, वॉच योर थॉट्स, हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं, तो वैसा हम कर्म करते हैं, इसलिए अपने थॉट्स को कंट्रोल करें। चौथा है सी, सी का मतलब है वॉच योर कैरेक्टर, कैरेक्टर से अभिप्राय है कि आज जो वैल्यू सिस्टम जो नीचे गिर रहा है, अगर हम अपने आप को संभाल के रखते हैं तो पूरा समाज संभलता है, समाज संभलता है तो देश संभलता है, इसलिए अपने कैरेक्टर को भी संभाल के रखने की जरूरत है। और पांचवी चीज है हार्ट, H, सो इसलिए अपने दिल को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। जो दिल करे कि मैं वही कर लूं, ये जरूरी नहीं है।
जो सभ्य समाज की जरूरत है उसके अंदर रहकर करना चाहिए, जो हमारी बाउंड्रीज भगवान ने रखी हैं उस बाउंड्रीज के अंदर रहकर काम करना चाहिए। इसलिए अपने दिल को संभाल के रखना है। जैसे आप घड़ी को देखें तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि वॉच का अर्थ क्या है। कुछ ही दिनों में हम आपसे पूछेंगे, क्या आपको याद है कि हमने वॉच के बारे में आपको क्या पढ़ाया था। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।